क्लासेस डियर लर्नर्स, आज का टॉपिक है 50 डेली यूजेस उज़्बेक सेंटेंसेस। इसमें अगर हम सीखते हैं इन सेंटेंसेस को तो डेली बेसिस पे जो हमें कहना रहता है वो हम आराम से कह लेते हैं, कंफर्टेबल होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखना है और उसे फिर जहन नशीन करना है अकॉर्डिंगली टू ग्रामर जो आप पढ़ चुके हो उसके मुताबिक जो आप ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। तो गाइस चलिए, लगे हाथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए सीखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 50 डेली यूजेस सेंटेंसेस इन उज़्बेक। तो जस्ट अ मोमेंट, उज़्बेक में जस्ट अ मोमेंट को कैसे कहें, हाज़िर बिर दकीका, हाज़िर बिर दकीका, जस्ट अ मोमेंट, ओके। उसके बाद है होल्डन, होल्डन को कहते हैं तोहता या तोहता, तोहता या तोहता, ठीक, दो तरीके से कहते हैं। ऑलराइट, यख्शी, ऑलराइट यख्शी, या दूसरा मीनिंग है इसका खौफ, क्या कहते हैं, खौफ, यख्शी या खौफ। उसके बाद है आई थिंक, आई थिंक का है ओ इलामन, ओ इलामन, ओ इलामन, not at all, not at all, आरजी मायदी, आरजी मायदी, not at all, it would be better, it would be better, ये बेहतर होगा आपके लिए, कहते हैं ना, तो उसका क्या कहेंगे, यक्षिरोह, तो better का क्या है, यक्षिरोह, okay, would be, तो बोला, बोलार्दी, बोलार्दी, यक्षिरोह, बोलार्दी, it would be better, यक्षिरोह, बोलार्दी, मार्वेलस, मार्वेलस कब कहते हैं, शानदार, अरे बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जब आप कहते हो तो ये, तो उस वक्त कहते हैं अजोइब, अजोइब, वेल डन, वेल डन, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो उस वक्त तो उज़्बेक में कहेंगे बारकल्ला, बारकल्ला, हे हे वंडरफुल, वंडरफुल, अजोइब, बिल्कुल वैसे ही है, बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, शानदार, बहुत ही बढ़िया, तो क्या होगा, अजोइब, अजोइब, अफकोर्स, अफकोर्स को क्या कहेंगे, अलबत्ता, अलबत्ता, अलबत्ता। उसके बाद है बाय अल्लाहस ग्रेस, बाय अल्लाहस ग्रेस को क्या कहेंगे, अल्लाह ने मरहमती बिलान, अल्लाह ने मरहमती, यहाँ पे है अल्लाह, देखो एपोस्ट्रॉफी है ना, तो एपोस्ट्रॉफी की वजह से क्या लग गया, नींग लग गया, ओके, और ग्रेस अल्लाह के फजल, ओके, तो मरहमती, और हो गया आपका बाय बिलान, ओके, तो अल्लाह ने मरहमती बिलान। उसके बाद मे अल्लाह ब्लेसिंग, अल्लाह सेंगा रोजी बोल सिंग, अल्लाह सेंगा रोजी बोल सिंग, जब आप ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे तो अल्लाह का अल्लाह, वो लोग अल्लाह को क्या है उज़्बेक, अल्लो बोलते हैं, मुझे बिल्कुल भी बदलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अल्लाह ही लिखा है, अल्लो नहीं लिखा है, ओके, तो सेंगा रोजी बोल सिंग, अल्लाह सेंगा, जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आप उसे पढ़ोगे सेंगा मतलब यू ऑब्जेक्ट, रोजी बोल सिंग, अल्लाह तुम्हें रोजी रोटी इसमें बरकत दे, या ऐसा आप कहते हो दुआ देते हो, तब ये कहा जाता है मैं अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह तुम्हें बरकत से नवाजे। How disgraceful, कितने कितने शर्म की बात है, ओके, कितने शर्म की बात है, तो कहते हैं कानचाली, कानचाली एक्सप्रेशन को देने के लिए, जब आप एक्सक्लेमेशन में कितनी कितना मतलब कितनी शर्म की बात है, उस वक्त बोलते हैं कानचाली, ओके, तो कानचाली शर्मंदली, उर्दू में बोलते हैं शर्म की बात है तो वही लिख दिया शर्मंदली, ओके। उसके बाद है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उस वक्त बोलते हैं कांदा जुरात इतस, कांदा जुरात इतस। उसके बाद है व्हाट्स नॉनसेंस, कितना बकवास है, ओके, या बकवास बंद करो, निमा बिमानी लिक, निमा बिमानी लिक, ओके, निमा बिमा, अब देखिए जो अपोस्ट्रॉफी आ रहा है ना, तो ये अपोस्ट्रॉफी जब किस, देखिए ये आ के बाद आ रहा है, तो आपको आपको क्या पढ़ना, दो बार पढ़ना है, ओके, बेमानी लिख, बेमानी लिख, जिस अल्फाबेट के बाद आएगा या वॉवल के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, टू टाइम्स पढ़ना है आपको, ज्यादा थोड़ा एलोंगेट करना है, ओके, तो बेमानी लिख,
खाली कंधाए बेसोपता लीक टचवुड नजर ना लग जाए ये किसे पहचान को नजर ना लग जाए ओके तो क्या होगा ये गोच गा तेगिंग व्हाई नॉट क्यों नहीं हाँ मैं उज्बेक्चा गापी रामन मैं उज्बेक्चा ओरगाना मन व्हाई नॉट क्यों नहीं मैं उज्बेक बोलता हूँ मैं उज्बेक सीखता हूँ ठीक तो व्हाई नॉट नेगा योक टेक केयर एहतियात किल या जब आप बड़े से बात कर रहे हैं तो क्या कहेंगे किलिंग ओके एहतियात किलिंग रेस्पेक्ट के लिए ओके नेवर माइंड हिच किसी योक हिच किसी योक तो ये से बोलेंगे नेवर माइंड का मतलब हाँ इस पे ध्यान मत दीजिए ये कोई उतनी जरूरी नहीं है ओके है ना ऐसे स्टॉप मैं कहता हूँ रुक जा मैं तोता अभी आपने पढ़ा तोता तो मैंने उस वक्त भी प्रोनाउंसिएशन किया था कि यहाँ पे तोता है यहाँ पे तो एक ही चीज है उसमें कभी एच को खा पढ़ते थे और एच को पढ़ते लेकिन पढ़ते वो खा ही ओके चाहिए इसलिए कि वो हम इंडियन क्या पढ़ते थे तोता अब वो लोग वो एक ही पढ़ते तोता ओके तोता आयतमन तोता आयतमन आयतमन मींस आई से तोता मींस स्टॉप ओके जब आप ऑर्डर करते हो स्पीक गापिर या गापिरी ठीक तो गापिर क्या है इनफॉर्मल है जैसे आप फैजान किससे कहेगा मोहम्मद से कह देगा क्या स्पीक बोल और जब आप किसी बड़े से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे गापिरी है ना उसके बाद है लिसन तिंगला मैंने लिख दिया तिंगला ओके तो ये आंग जो आता है या हिंग आता है ये दोनों क्या है रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है एक्चुअली क्या था तिंगला और लगा दिया एंड तो तिंगला रिस्पेक्ट के लिए हो गया तिंगला जब बोलोगे तो इनफॉर्मल है समझ में आई बात उसके बाद है वेट हेयर बेयर का कोट देखो ये भी मैंने इनफॉर्मल लिखा आप जब बड़ों से बात करो तो मैंने आपको बता दिया इंग लगा देना है कूटिंग ओके वेट देयर तो हेयर का क्या हो गया बेयर का देयर का क्या का हो गया वेयर का कूट कम हेयर का बेयर का किल तो आपने सीखा क्या कम यहाँ ओके बड़ों से बोले कैन ओके यहाँ आइए गो देयर वेयर का बोर या वेयर का बोरिंग वहां जाइए लुक हियर वेयर का कारण मैंने फॉर्मल ही लिखा है कारण टेक इट उंगा ओल उंगा मींस इट जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है ओके कम नियर यकीन तेल यकीन के हाँ करीब आइए ठीक है करीब आइए करीब आ जाइए वीडियो के ओके तो यकीन के अगला है वेट आउटसाइड को क्या कहेंगे देखो आउटसाइड इसमें क्या है जब भी आप इंपेरेटिव बोल रहे हो ना वाटर दे रहा तो वाटर के केस में क्या होता है कि वो इंपेरेटिव होता है उसमें वर्ब यूज होता है और कोई ऑब्जेक्ट आता है ठीक ऑब्जेक्ट जैसे ये तश्करी था तो जो ऑब्जेक्ट होगा इसमें उज़्बेक में वो पहले आ जाएगा और वर्ब क्या है बाद में आएगा ठीक इसलिए आप देख रहे हो कि तश्करी था जो है वो पहले आ गया आउटसाइड पहले आ गया बाहर जाओ उर्दू से आप ये करो कॉम्बिनेशन करो जैसे आप कहोगे गो आउटसाइड बाहर जाओ ठीक बाहर जाओ या वेट आउटसाइड बाहर इंतजार करो बोल दे ना उर्दू में क्या ट्रांसलेशन हो बाहर इंतजार करो तो पहले बाहर का उर्दू की तरह ट्रांसलेशन करो बाहर का क्या हो गया तश्करी था ओके इंतजार करो उर्दू ठीक तो वेट आउटसाइड बाहर इंतजार करो तश्करी था कूद ओके उसके बाद देखो यहाँ पे गो अप ओके ऊपर जाओ तो ऊपर का क्या है योको रिगा इको रिगा का मतलब क्या ऊपर ठीक हाँ तो इको रिगा पहले आ गया और जाओ ऊपर जाने का जो है वो उसमें क्या था चिक ठीक चिकिंग ओके योको रिगा चिकिंग ऊपर जाओ ठीक तो गो डाउन का देखो पस्त ओके यहाँ पे ये छूटा हुआ है पस्त गा ओके पस्त गा तो पस्त का मतलब क्या है डाउन पस्त ओके पस्ती की तरफ जाना तो पस्त का डाउन ओके और तुश क्या है जाओ तो नीचे की तरफ जाने का भी वर्ब अलग हो गया तुश मो का मतलब था नीचे तरफ जाना ओके और ऊपर की तरफ जाना क्या है जिप मो ओके समझ में आई बात तो वर्ब अलग है अगर कहोगे सिर्फ क्या है गो तो क्या बोर मोख और अगर कहोगे ऊपर की तरफ जा तो क्या हो गया जिप मो और अगर कहोगे नीचे की तरफ आओ ठीक है तो क्या हो गया दुष्मुख समझ में आई बात तीनों में चेंजिंग है कीप क्वाइट का है सकला ओके सकला और अगर आप बोले बड़ों से तो सकलांग ओके
उसके बाद है गो एडवांस। देखो एडवांस का होता है फौरन, पहले आ गया फौरन बेटदानी का, क्या गया बेटदानी का, और उसके बाद है गो, ठीक। उसके बाद है गो इमेजेक्टली, ओके गो इमेजेक्टली, उसका भी होता है फौरन या तुरंत। उसके बाद है दरअसल, दरअसल का मतलब है इमेजेक्टली और बोर, लग गया ठीक। उसके बाद है स्टॉप हियर, तो ये हियर हियर आप बार बार करो, बुएरदा या बुएरदा दोनों का मीनिंग क्या है हियर, तो यहाँ पे लगा दिया बुएरदा। और उसके बाद है तो सब्सक्राइब कीजिए, चंगा कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, कतर रहमत।